गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी और मैं इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी से हूँ। आज मैं आपको कुछ जीडी एग्ज़ाम पेपर 25 अगस्त को जो हुआ था उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैक्सिमम कंज्यूम्ड फूड जो है वो है पोटैटो है, और अकबरनामा किसने लिखा था वो है अपना अबुल फजल लिखा था, और ये किसके टाइम पे था, किसके दरबार में था, ये अकबरनामा जो है अकबर के दरबार, अकबरनामा जो है अबुल फजल जो है अकबर के दरबार में थे। टीपू सुल्तान जो है किसका रूलर थे, ये है मैसूर के रूलर। पहले मैसूर को कर्नाटक के नाम पे पुकारा जाता था, और जैसे कि इसमें आप आडी पीरियड में जिस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो माप किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर होता है। डेंसिटी जो है हाइड्रोमीटर के साथ मापा जाता है। आपको ये जो एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। और बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी किसने लिखा था, महात्मा गांधी खुद अपना बायोग्राफी लिखे थे, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये अपनी खुद की लैंग्वेज जो है गुजराती है, क्योंकि गुजरात से बिलोंग करते हैं तो गुजराती में लिखा, उसको बाद में काफ़ी लैंग्वेजेस में अनुवाद किया गया है। डिफिशेंसी ऑफ हार्मोन, हार्मोन की कमी की वजह से क्या होता है, बो लेग्स आपको देखा जाता है, इस तरह का बो लेग्स बन जाता है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, यह है ट्रॉम्बे में उपस्थित है, यह अपना मुंबई में है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, और किसने कैंसिल करवाया, वो लॉर्ड हार्डिंगे ने। जिस हिसाब से आप देखा जाए उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ क्लैशेस हुए थे। और इंटरनेशनल कांग्रेस किसने फॉर्मेशन किया, ये हमारा ए वो ह्यूम है जो 22 साल तक जनरल सेक्रेटरी रहा, और ये मेन इसका फॉर्म करने वाला है। रानी लक्ष्मीबाई जो है किस किंगडम का रूलर है, वो झांसी किंगडम के रूलर है, इसलिए हम उसको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। ये ब्रिटिश के प्रति अगेनेस्ट फाइट किए थे। फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, महापद्मनंदा है, जो पहला पद्मनंदा, महापद्मनंदा जो है क्षत्रिया को हराकर इन्होंने नंदा डायनेस्टी स्टार्ट शुरुआत किया है, और इनमें लास्ट जो है दानानंदा है। और मुगल में आते ही बाबर जो है मुगल का पहला शासक है, और आखिर में मोहम्मद जफर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम पे पुकारा जाता है, बोला जाता है। गीत गोविंदम एक किताब किसने लिखा था, जयदेव जो है गीता गोविंदम किताब लिखा था। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ सिंध सिविलाइजेशन जो है, सिंध सिविलाइजेशन के टाइम पे इनकी जो ऑक्यूपेशन है खेती बाड़ी का इनका मेन ऑक्यूपेशन है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए थे और उसमें से कौन सा नेचुरल नहीं है, नायलॉन जो है नेचुरल नहीं है, इसको बनाया गया है, कॉटन वगैरह नेचुरल है। इनमें से स्टील के अंदर क्या रहता है, आयरन और कार्बन दोनों मिलाकर स्टील बनाया जाता है। और जॉन्डिस आने पर किस पार्ट पे असर पड़ता है, वह है लिवर। और स्मॉल एलिमेंट जो है क्या फॉर्म हो जाता है, स्मॉल एलिमेंट्स मिलकर आटम बन जाता है, आटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं। और गांधी फिल्म किसने डायरेक्ट किया गया है, रिचर्ड अटनबरो ने इस गांधी फिल्म का डायरेक्ट किया गया है, और इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। लेमन के अंदर क्या रहता है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड रहती है, और ये आप काफ़ी सिट्रिक फूड फ़ायदा है इसको, मतलब सिट्रिक इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है। एलिमेंट विच प्योरीफाइज द वाटर, कौन सा एलिमेंट है जो पानी को पूरी प्योरीफाई करती है, वो है क्लोरीन है, इसी को क्लोरीनेशन कहा जाता है। अर्थक्वेक जो है किससे मेज़र किया जाता है, सिस्मोग्राफ होता है जो अर्थक्वेक को मेज़र मापते हैं, और जो स्केल होती है रिक्टर फ्रैक्टर स्केल होता है, लेकिन जो सिस्मोग्राम कहा जाता है, जो ट्रेसिंग जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसको सिस्मोग्राम कहते हैं। और हाइड्रोजन बम को किसने डिस्कवर किया था, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को फाइंड आउट किए थे। साउंड का डेसिबल, साउंड को किस में मेज़र किया जाता है, डेसिबल में मेज़र किया जाता है। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप देख रहे हैं इसमें किस हिसाब से सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकलता है। स्टोरेज एनर्जी में कौन सा एनर्जी होता है, इसमें जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, एक बार पाइप ओपन करते ही काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हो जाता है और पूरा पानी बाहर आ जाता है रफ्तार से। इंडियन मेडिकल रिसर्च सेंटर, इस तरह का इंडियन मेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली में है।
ग्राफाइट और डायमंड किसका एलोट्रोप है? वह कार्बन के एलोट्रोप है। और ये ग्राफाइट जो है कंडक्टर कंडक्टर है, लेकिन डायमंड जो है इंसुलेटर है। विश्वनाथ आनंद किस खेल के संबंधित है? ये है हमारा चेस खेलते हैं, शतरंज। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चंस जो है लैंसडाउन से एयरवा से पूछा गया है। अगर आप लोगों को कुछ प्लीज़ क्यूरी है, कुछ क्वेश्चंस मैंने अलग उससे भी ऐड किया गया है, कुछ एक दो क्वेश्चन, तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आगे कोई भी एग्ज़ाम रहेगा, इसको आराम से आप पढ़ लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपना दोस्तों को शेयर करिए। मेरे जो चैनल के अंदर कितना भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो बहुत ही बढ़िया है, और आप लोगों के इस पढ़ के पूरी आसानी से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।